लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। कौन सी मूवी ने दी इनके करियर को स्टार्ट? कैसा था इनका बचपन और क्यों बना इनका स्ट्रेचिंग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय आवर चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आज मैं आपकी होस्ट कनिका लिंगवार सलार मूवी के लीड एक्टर प्रभास की लाइफ के बारे में बताऊंगी। ये 2023 में आने वाली फिल्म है और साथ में श्रुति हसन लीड में है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभास की गाथा। किसी भी एक्टर की तरह प्रभास भी एक नॉर्मल एक्टर थे जो समय समय पर मूवीज करते थे, कुछ हिट होती तो कुछ फ्लॉप। 2015 में जब ब्लॉकबस्टर बाहुबली द बिगनिंग आई, वो प्रभास के लिए बैरियर ब्रेकर बन गई। जब कोई भी एक्टर अपनी जिंदगी के 5 साल किसी मूवी में लगाने का चांस नहीं लेना चाहते, तब प्रभास ने ये चांस लिया और आप तो इसका रिजल्ट जानते ही हैं। और वो कहां पहुंच गए ये हम सबको पता है। वेंकटेश सत्यनारायण प्रभास राजू उपल पाटी इनका पूरा नाम है। 1979 में प्रोड्यूसर सूर्य नारायण राजू के घर पैदा हुए। ये एक प्रोड्यूसर और एक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो टैलेंट इनके खून में ही दौड़ता है। पर आपको शांति ये हैरानी होगी कि ये कभी भी सुपरस्टार बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि ये बनना चाहते थे एक बिजनेसमैन। पर किस्मत तो देखिए, इनके अंकल उपल पाटी कृष्णन राजू जो एक एक्टर थे, उन्होंने इन्हें इंडस्ट्री में ट्राई करने को कहा। और इसी के साथ 2002 में प्रभास की पहली मूवी ईश्वर आई, पर ये ज्यादा चल नहीं पाई। अगली मूवी 2003 में आई रघुवेंद्र भी फ्लॉप हो गई, पर 2004 में वर्षन जो ब्लॉकबस्टर रही और इनके करियर को इसने उड़ा दिया। इन्होंने रोमांटिक और एक्शन थ्रिलर दोनों ही जॉनर में काम किया। अब आया इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जहां से एसएस राजमौली की 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग। ये मूवी कई लैंग्वेजेस जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में भी रिलीज हुई। ये मूवी थर्ड हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट देने वाली मूवी बन गई और इससे प्रभास को काफी ज्यादा अप्रिशिएशन भी मिला। इस हिस्टोरिक मूवी में एक्टर्स तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुपति, राम्या कृष्णन और नसर ने भी प्रभास के साथ काम किया। ये मूवी क्लाइमेक्स पे सस्पेंस पे छोड़ गई और ऑडियंस ने बहुत ज्यादा वेट किया इसके पार्ट टू के लिए, जो 2017 में बड़े पर्दे पर आया बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने। पहले ही दिन 10 दिन के अंदर ही 100 करोड़ से ज्यादा कमाया। इसके बाद प्रभास पहले ऐसे एक्टर बने जिनका वैक्स स्टैच्यू मैडम टुसॉज वैक्स म्यूजियम लंदन में बना और ये यूनिवर्सल स्टार बन गए। अब ये सलार मूवी में श्रुति हसन के साथ नजर आएंगी और इसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इसी के साथ मैं हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।